दिल्ली में बैठ कर बॉम्बे वाला आनंद दे रहे हो भाई, कुछ भी कहो, दिल्ली में बैठ कर बॉम्बे वाला आनंद दे रहे हो। भाई मैंने संजय दत्त की वास्तव मूवी देखी थी, मेरा जबी से मन था कि मैं एक पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। अभी भाजी आप संजय दत्त जैसा रहे हो तो दोस्तों बता सकता हूँ भाई का, देख सकते हो टीका किस तरीके से भाई ने लगा रखा है। तो भाई लगभग वास्तव वाली मूवी के तरीके से संजय दिल्ली में बैठ कर दिल्ली की पाव भाजी तो सब लोगों ने खा रखी हुई, लेकिन मेरे भाई बॉम्बे वाली पाव भाजी मैं आज आप लोगों को लेकर आ रखा हूँ दिल्ली में एक खास जगह। तो चलते हैं मेरे साथ और दिखाते हैं किस तरीके से भैया बनाते हैं। चलते हैं भैया के पास और भैया के पास आ रखे हैं, भैया से सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले भैया एक बार अपना नाम बता देते हैं, आपका नाम क्या है? अमन नाम है भैया। कितना टाइम हो गया यहाँ आपकी दुकान को? 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने हो गया। तो आज मेरे को एक बात बता दो भैया, आज हमें क्या खास चीज़ खिलाने वाले हो स्पेशल? हमारा यहाँ स्पेशलिस्ट सबसे बेस्ट है पाव भाजी, ठीक है, और उसके साथ में है बड़ा पाव। अच्छा, और चीज़ पाव भाजी, ठीक है, और पनीर पाव भाजी, ठीक है। हमारा सभी बेस्ट है, सभी अच्छा है। अच्छा, एक बार जरूर आके यहाँ पे जरूर खाएं। तो भैया ये चीज़ एश्योर कर रहे हैं कि भैया एक बार आप लोग यहाँ आके टेस्ट करो। तो मेरे को एक बात बताओ भैया, जो बॉम्बे वाला जैसे लोग जो पसंद करते हैं कि बॉम्बे वाला खाना पसंद करते हैं कई लोग, या बॉम्बे वाला जो फ्लेवर होता है, तो वो ये चीज़ का आप एश्योर कर रहे हो कि भाई दिल्ली में बैठकर बॉम्बे वाला फ्लेवर आप खिलाओगे? बिल्कुल खिलाएंगे, खिलाने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, प्राइस तो हमने सबसे सस्ता रखा हुआ है, 60 रुपीज़ प्लेट पाव भाजी है। अच्छा, पाव भाजी जो पाव के साथ भाजी आएगा, अच्छा, वो 60 रुपये। हाँ जी, इसके बाद का बता दीजिए। बड़ा पाव हमने 50 रखा हुआ है, डबल बड़ा पाव 50। हमने रेट बिल्कुल नॉर्मल रखे हुए हैं, अच्छा रखे हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल रेट है बिल्कुल हमारे, ठीक है। पूरा बॉम्बे वाला फ्लेवर जो है यहाँ दोगे तो एक चीज का तो एश्योर करो भैया, दिल्ली से भी बॉम्बे तो नहीं जाओगे ना, कोई ऐसा प्लान तो नहीं है ना? आए हैं तो बुलाए हैं तो हाँ, तो ठीक है। तो ये चीज भैया श्योर कर रहे हैं कि भैया आप यहीं रहेंगे और भैया हमें बॉम्बे वाला मजा देंगे दिल्ली में, पक्की बात है? चलिए ठीक है। ये भैया थोड़ा सा प्याज लिया हमने और ये रखा हमने ऊपर से चटनी, सारी चीज़ें लगा ली और अब टेस्ट करके आपको एक बाइट लेके दिखाते हैं किस तरीके के भैया के पास टेस्ट हो रहा है। कह सकते हैं भैया बढ़िया हो रहा है, जिस तरीके से बताते हैं ना भैया से मेरी बात हुई थी, जिस तरीके से स्टार्टिंग फेज का कि यार प्राइस मैंने आपको बता दिया, प्राइस रीजनेबल है, आप लोग यहाँ टाइम निकाल के आ सकते हो, सारी चीज़ें आपको बता दी है, प्राइस डिस्कस कर दिया। सबसे मेरे को खास चीज़ ये लगी कि भैया जो मसाला यूज़ करते हैं वो बॉम्बे वाला मसाला यूज़ करते हैं। तो आप लोग यार दोस्तों क्यों नहीं अपना टाइम निकाल के आते हो यहाँ, आओ टाइम निकाल कर आओ, और जिन लोगों को यहाँ जानते हो उसको भी खास करके टैग कर दो, जितने भी यहाँ लोग हैं आसपास के लोधी रोड में है या जितने भी पाव भाजी खाने वाले लवर्स होते हैं उन लोगों को अपने वीडियो में आप टैग कर दीजिएगा। और सेकंड बाइट लेके टेस्ट करके बताते हैं किस तरीके से भैया की दुकान पर टेस्ट हो रहा है, आइए सेकंड टेस्ट करते हैं। ये किया अब दोस्तों मैंने सेकंड बाइट लिया, ये है भाई जी मजा वाली बात, जिस तरीके से अमूल बटर यूज कर रखा है वो देखिए, जिस तरीके से भैया ने दोनों में, चाहे पाव हो या भाजी हो, दोनों में भैया ने अमूल का बटर यूज़ कर रखा है। और खा के मैंने आपको बताया भैया की दुकान पर बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार हो रहा है। जिस तरीके से पाव की बात करते हैं ना, ये देखिए सबसे बड़ी बात होती है दुकान पर जो होता है भाई, ये भैया ने फ्लॉपी कर रखा है, ये पास से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने से आइए, ये देखिए किस तरीके से भैया ने, ये देखिए सामने से देखिए दोस्तों कितना फ्लॉपी हो रहा है और कितना सॉफ्ट सॉफ्ट, ये देख रहे हो कितना हो रहा है, कोई जाते ही ये लगा लीजिए मुंह में जो है भाई पिघल जा रहा है। और ये देखिए पास से मैंने आपको तोड़ के दिखाया किस तरीके से फ्लफी फ्लफी हो रहा है प्लस सॉफ्टनेस हो रहा है। और मैंने आपको भाजी के तो बारे में बता ही दिया था, टेस्ट करके दिखाया किस तरीके से हो रहा है भैया की दुकान पर। ठीक है, कुछ खाया है
दिल्ली में बैठकर बॉम्बे वाला आनंद दे रहे हो भाई, कुछ भी कहो, दिल्ली में बैठकर बॉम्बे वाला आनंद दे रहे हो। नहीं तो इसके लिए लोग जाते हैं बॉम्बे, स्पेशली जो है दोस्तों बॉम्बे जाते हैं लोग। सरदार जी करके है कोई दुकान, मैंने सुना है यूट्यूब पर, और बहुत सारे जो लोगों ने मुझे बताया कि बॉम्बे में अगर आप लोग जा रहे हो तो दोस्तों सरदार जी पाव भाजी के पास जाओ। अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो वही वाला फ्लेवर भैया के पास आओ लोधी रोड में, और खा के देखो किस तरीके से टेस्ट हो रहा है। तो करते हैं टेस्ट। टेस्ट भैया बढ़िया हो रहा है आपकी दुकान पर, बहुत बढ़िया टेस्ट हो रहा है। तो चलते हैं भैया के पास और भैया से जानते हैं, अमन भाई से, जिस तरीके से देख के बताते हैं। भैया एक बार कहानी बताओ यार, किस तरीके से दिमाग में ख्याल आया कि भैया यहाँ पाव भाजी बनानी है आपकी? भाई मैंने संजय दत्त की वास्तव मूवी देखी थी, मेरा जबी से मन था कि मैं एक पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। ठीक है। जैसे कि उन्होंने डाली थी पाव भाजी की गाड़ी, उन्हीं को देख के मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है। मेरा बहुत मन था, मैंने सोचा भी पाजी आप संजय दत्त जैसे रहे हो तो दोस्तों बता सकता हूँ भाई का, देख सकते हो ठीक है किस तरीके से भाई ने लगा रखा है। तो भाई लगवीर वास्तव में वास्तव वाली मूवी के तरीके से अंजय रस्ते रहे हैं। बात रही कहानी की तो कहानी भैया से सुनते हैं, पता है पूरी कहानी। तो वही पिक्चर देखी, मूवी देखी, तो मेरा बचपन से ही मन था कि मैं एक पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा बिल्कुल संजय दत्त की तरह। अच्छा। अब मेरा सपना पूरा हुआ है। अच्छा। इसलिए कृपा करें मेरी दुकान पे एक बार जरूर खा के जाएं, मेरे यहाँ की सबसे फेमस पाव भाजी 60 रुपीज में पाव भाजी का टेस्ट लेके जाए। अच्छा, तो भैया संजय दत्त से मेन इंस्पायर हो आप? हाँ जी। आए मेन मान लो जो कहानी है जो भैया ने बताया भाई, संजय दत्त से इंस्पायर हुआ है ना? हाँ जी। भैया को बॉलीवुड में भी सबसे मतलब अच्छे जो है संजय दत्त ही लगते हैं, संजय दत्त के अलावा इनको कोई और अच्छा नहीं लगता। बॉम्बे में सिर्फ संजय दत्त को ही फॉलो करते हैं और संजय दत्त को ही अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो संजय दत्त को ही देख के इन्होंने पाव भाजी की दुकान खोलने का सोचा था और वो आज इनका जो है भैया सपना पूरा हो गया। और जिस तरीके से भैया ने बताया अपनी रियल स्टोरी, जिस तरीके से लोग बताते हैं भैया अपनी रियल स्टोरी, उस तरीके से देख सकते हो भैया ने अपनी किस तरीके से एक रियल स्टोरी बताई। लुक भी आप देख सकते हो वास्तव वाला, भैया ने टीका लगा रखा है जिस तरीके से संजय दत्त ने वास्तव में टीका लगा रखा है, और जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग बोल रखे थे उसी तरीके से भैया ने अपने सारे डायलॉग बताए हमें किस तरीके से। और लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर कि भैया रीजनेबल प्राइस में जिस तरीके से आप लोग खाना खाना चाहते हो तो दोस्तों भैया की दुकान पर आओ, मात्र 60 रुपये। ऐसा नहीं है कि यार कोई 300 रुपये है या 150 रुपये या बहुत महंगा है। और पार्किंग का भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से, लोधी रोड में आप अगर आ रहे हो तो पार्किंग की भैया के पास फुल स्पेस है। पार्क में बैठ के खाना चाहते हो तो पार्क में भी बैठ के आप खा सकते हो, पार्किंग के कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया भैया के पास बात करके, अमन भाई के साथ बहुत मजा आया दोस्तों बात करके, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है खाने के साथ साथ भैया ने जिस तरीके से अपनी कहानी बताई वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन थी, और बहुत अच्छा लगा अमन भाई के साथ बात करके। तो अमन भाई थैंक यू सो मच जो मुझे आपने टाइम दिया। और बात रही भैया लोकेशन की, तो लोकेशन जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और लोधी रोड के आसपास है तो वो सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। तब तक दोस्तों आप लोगों से खास एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा की तरह मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भैया की दुकान पर आप लोग भी दोस्तों यहाँ आओ और खाओ और उसके बाद अपना रेटिंग दीजिएगा। और मेरे दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।